मोसाद इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जो मोसाद के हिट लिस्ट में आ गया उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कई बार तो ईरान तो कभी दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसके ऑपरेशंस की खबरें आती हैं। लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से मोसाद एजेंट्स ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गए हैं। अब जो तुर्की से खबर आई है उससे मोसाद को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल तुर्की पुलिस ने एक शख्स को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को पैसा ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुर्की के आधिकारिक मीडिया के मुताबिक आरोपी तुर्की में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंट को पैसे पहुंचा रहा था। संदिग्ध की पहचान कोसोवो के लिरिडोन रेक्सहैपी के रूप में हुई है जो 25 अगस्त को तुर्की में दाखिल हुआ और इसे पिछले शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। मंगलवार को तुर्की पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने पूछताछ के दौरान अपने ऊपर लगे आरोप कबूल लिए हैं। जनवरी से लेकर अब तक तुर्की सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लिया है जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे। इनमें ज्यादातर को तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों का डेटा जुटाने के शक में हिरासत में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर इजराइल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों को किसी देश में पकड़ा गया हो। गाजा इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं और उन्होंने समय समय पर हमास की प्रशंसा की है। गाजा में मानवीय संकट के विरोध में इसराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए और इसराइल राजदूत को देश से निकाल दिया गया। हालांकि कुछ रेसेप तैयब एर्दोगन विरोधियों ने दावा किया है कि इसराइल सेना को हथियारों की रसद पहुंचाने वाले जहाज तुर्की की बंदरगाहों से जा रहे हैं। अजरबैजान से इसराइल को होने वाली गैस और तेल की सप्लाई भी तुर्की के रास्ते से ही होती है। ऐसे में एर्दोगन पर सिर्फ शब्दों से फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप लगते रहे हैं। मोसाद इसराइल की वो खुफिया एजेंसी जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जो मोसाद के हिट लिस्ट में आ गया उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कई बार तो ईरान तो कभी दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसके ऑपरेशंस की खबरें आती हैं। लेकिन जब से इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से मोसाद एजेंट्स ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गए हैं। अब जो तुर्की से खबर आई है उससे मोसाद को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल तुर्की पुलिस ने एक शख्स को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को पैसा ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुर्की के आधिकारिक मीडिया के मुताबिक आरोपी तुर्की में मौजूद इजरायली खुफिया एजेंट को पैसे पहुंचा रहा था। संदिग्ध की पहचान कोसोवो के लिरिडोन रेक्सहैपी के रूप में हुई है जो 25 अगस्त को तुर्की में दाखिल हुआ और इसे पिछले शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। मंगलवार को तुर्की पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने पूछताछ के दौरान अपने ऊपर लगे आरोप कबूल लिए हैं। जनवरी से लेकर अब तक तुर्की सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लिया है जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। इनमें ज्यादातर को तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों का डेटा जुटाने के शक में हिरासत में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर इसराइल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इसराइल खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों को किसी देश में पकड़ा गया हो। गाजा इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन गाजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं और उन्होंने समय समय पर हमास की प्रशंसा की है। गाजा में मानवीय संकट के विरोध में इसराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए और इसराइल राजदूत को देश से निकाल दिया गया। हालांकि कुछ रेसेप तैयब एर्दोगन विरोधियों ने दावा किया है कि इसराइल सेना को हथियारों की रसद पहुंचाने वाले जहाज तुर्की की बंदरगाहों से जा रहे हैं। अजरबैजान से इसराइल को होने वाली गैस और तेल की सप्लाई भी तुर्की के रास्ते से ही होती है। ऐसे में एर्दोगन पर सिर्फ शब्दों से फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप लगते रहे हैं।